आज हम लोग क्लास सेवन के फिजिक्स का चैप्टर फोर में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने हीट के बारे में अध्ययन किया, अब हम सभी आज टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर अर्थात तापमान, टेम्परेचर होता क्या है उसके बारे में जानना है। टेम्परेचर यानी कि दी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी वस्तु का जो उसका ताप होता है, तापमान होता है, या जो उसका ठंडापन होता है, उसको हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु को जब हम टच करते हैं या छूते हैं तो उसमें कुछ वस्तु में हमें गर्म महसूस होती है और कुछ जो होते हैं ठंडी महसूस होती है, जो टेम्परेचर के अंतर्गत उन्हें व्यक्त किया जाता है। प्रकृति में बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गेन के माध्यम से उन्हें छू करके एक्चुअल टेम्परेचर को नहीं माप सकते हैं, इसलिए उन्हें एक्यूरेट तापमान को बताने के लिए एक यंत्र का खोज हुआ जिसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। थर्मोमीटर के द्वारा किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापा जाता है। थर्मोमीटर का खोज थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने 1866 ईस्वी में किया था। अब हम लोग जानेंगे थर्मोमीटर के प्रकार। थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या, यानी उसका उपयोग कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। जिस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मानव शरीर के तापमान को मापा जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। यानी संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शरीर का जो तापमान मापने के लिए जिस थर्मोमीटर का उपयोग होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका कारण होता है कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे मानव का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मेजरमेंट का अंक होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किसी वस्तु को टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए किया जाता है, जैसे बॉइलिंग वाटर है, जो पानी गर्म करते हैं यानी खौल रहा है उसको अगर टेम्परेचर को मापना होगा तो वहाँ पर हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे, ये नहीं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे। बॉइलिंग वाटर
इसके अलावा आइस यानी बर्फ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, और बॉइलिंग वाटर जो खौलता हुआ पानी है उसका तापमान अधिक होता है। अब इसमें जो शुद्ध पानी होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आइस यानी बर्फ जो पानी को ठंडा करने पर बनता है उसका जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका भी रेंज होता है, इसमें जो अंकित मान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आज हम लोग इस चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में पढ़े, अगले दिन इसके आगे इसका उपयोग और इसमें यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उससे हल करना है, उसे हल करके लाना है। थैंक यू।